हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल अगेन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास अलेवेंथ मैथमेटिक्स इनके जो क्लास अलेवेंथ के टॉपिक्स होते हैं उसमें सर्कल्स एक ऐसा कंसेपचुअल टॉपिक है जो आपके पूरे कॉनिक सेक्शन में हेल्प करेगा अब कॉनिक सेक्शन में हमारे पास कई टॉपिक्स आते हैं सब टॉपिक्स एज यू नो एंड सर्कल उसका पहला पार्ट है सर्कल आता है देन पैरा आता है देन एलिप्स आता है देन हाइपर तो अगर आपने ये सर्कल्स का टॉपिक एक बार समझ लिया तो आपके जो ये तीनों बाकी के टॉपिक हैं पैराबोला हाइपरबोला एनालिप्स इसका आपने हर एक टॉपिक का 25% समझ लिया क्योंकि जो हम यूज करते हैं जो फॉर्मूलाज यहाँ यूज करते हैं वो एज इट इज आपको बाकी सारे कोनिक सेक्शन में भी हेल्प कराएगा तो सर्कल्स इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योमेट्री एंड क्लास के टॉपिक्स में मेंस में जेई भी इसका अच्छा खासा वेटेज आता है अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे आता है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआत करते हैं सर्कल्स की विद द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ठीक है सो so, डेफिनेशन क्या है सर्कल की थोड़ा सा ये बड़ा है या सो सर्कल इन जनरल जो होता है इट्स लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट तो बेसिकली ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये एक मूविंग पॉइंट का लोकस है मतलब एक पॉइंट यहाँ पे था वो इसी पाथ को ट्रेस करेगा बिकॉज इट हैज़ टू मेनटेन अ फिक्सड डिस्टेंस फ्राम अ फिक्सड पॉइंट एंड दिस फिक्सड डिस्टेंस इज़ नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड जो ये फिक्स पॉइंट होता है दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर एंड इसके जो कॉर्डिनेट्स होते हैं हम एच कॉमा के से लिखते हैं तो किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है किसी भी सर्कल जो सेंटर होता है उसको हम डिनोट करते हैं एच कॉमा के से रेडियस को आर से रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं तो पूरा यहाँ पे खेल क्या है पूरा खेल यहाँ पर है इक्वेशन निकालने का अब वो चाहे इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट हो या इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड अ टजेंट या इक्वेशन ऑफ अ सर्कल या किसी भी कौनिक सेक्शन की आपको इक्वेशन दी गई है अब यहाँ पे अज्यूम करो कि इक्वेशन बनती कैसे है तो जो फंडामेंटल इक्वेशन इसकी तैयार होती है वो बेसिक लैंग्वेज से तैयार होती है जो आपको टूल्स पहले से पता हैं उन टूल्स का यूज करते ही आप इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन निकालते हो फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कल है ये कोई भी पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट ले लो आप इसमें एक्स कॉमा वाई एक मैंने यहाँ पे आर्बिट्री पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई अगर मैं इस पॉइंट पी की इस पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस को अगर मेजर करता हूँ इस पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस एन ई वाले डिस्टेंस को मैं मेजर करना चाह रहा हूँ दिस डिस्टेंस सो इफ आई मेजर दिस डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉमुला यूज करते हुए वट आई कैन से इज ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन दिस इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ये डिस्टेंस हो गया आपकी एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी नोन टू यू विच इज़ द फिक्स डिस्टेंस विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल अब अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड तो ये बन जाता है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो यहाँ पे आपका जहाँ सेंटर h कॉमक के है रेडियस r है तो ये होती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी डेफिनेशन है सर्कल की ठीक है अब हम देखते हैं कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो किस तरीकों से लिखी जा सकती है ठीक है तो वेरियस वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स सो हाउ विल यू राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स ठीक है तो अगला टॉपिक है मेरा बेसिकली ये तो किस तरीके से आपको इक्वेशन मिल सकती है सर्कल की किन तरीके से आप उसमें करोगे तो लेट्स सी ऑल दोज वे कि कौन कौन से तरीके हम यूज़ करके सर्कल की इक्वेशन को बनाएंगे तो जो पहला तरीका आएगा आपका जो पहला तरीका आएगा दैट इज नोन एज द फंडामेंटल इक्वेशन देन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है देन आती है पैरामेट्रिक इक्वेशन तो स्लेट स्टार्ट विथ दिस फंडामेंटल इक्वेशन अभी हमने जो किया सबसे पहले को हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज फंडामेंटल इक्वेशन ठीक है फंडामेंटल इक्वेशन देन आपका आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन देन यू हैव अ पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की बात कर रहे हैं तो तीन तरीके से हम इसको बनाएंगे ओके okay? तीन तरीके से वील क्रिएट दीज थिंग्स तो एक फंडामेंटल हो गया स्टैंडर्ड हो गया एंड आपका पैरामेट्रिक हो गया तीन चीज़ों में समझते हैं एक एक करके जो तो तो पहली है फंडामेंटल इक्वेशन अभी हमने देखी एक सर्कल था आपके पास एक सर्कल था उसका सेंटर था रेडियस था इस पर सेंटर था एच कॉमा के ठीक है तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर देन दिस इज़ नोन एज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल अब अगर मैं इसको ओपन कर दूँ समझो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस में टू एच एक्स माइनस में टू एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस में टू के वाई एंड प्लस में माइनस में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई एंड माइ प्लस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो तो बेसिकली यह आपकी जो इक्वेशन है वो आ जाती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेकिन यहाँ पे एच स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर नंबर्स हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनकी एक फिक्स वैल्यू होगी आपको यहाँ पे ये यह नहीं होगा कि एक्स एंड वाई का कोई टर्म नहीं है ठीक है कोई भी एक्स वाई का यहाँ पे टर्म मौजूद नहीं है तो वी कैन ऑल्सो री राइट इट एज एक्स स्क्वायेर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई एंड प्लस में सी ये जितने भी कॉन्सटेंट्स थे उनको मैंने हटा के क्या कर दिया उनको हटा के मैंने आपका एक सी कॉन्सटेंट को ले आए क्लियर है अब यहाँ से आप नोटिस करोगे मैंने क्या भाई सेंटर इसका क्या था एच कॉमक ए था लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ जो इक्वेशन मैंने क्रिएट की है एच की जगह मैंने जी रखा और उल्टा साइन कर दिया यहाँ माइनस था यहाँ पे मैंने प्लस साइन का प्रयोग किया है तो यहाँ पे जो ये सर्कल बन रहा होगा इसका जो सेंटर बनेगा क्या बनेगा इसका जो सेंटर बनेगा दैट सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ तो देख सकते हो जो भी एक्स का कोफिशेंट है उसमें डिवाइड बाय माइनस टू करोगे आपको माइनस जी मिल जाएंगे एंड माइनस एफ तो ये आपका सेंटर बन रहा है बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू इसके ऊपर वाली इक्वेशन ऐसी जो रेडियस की वैल्यू थी अब यहाँ से देखो ये जो नंबर सी है ये इसको कोरोस्पॉन्ड कर रहा है समझ समझते हैं ये जो नंबर सी है ये कोरोस्पॉन्ड कर रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर किसको कोरोस्पॉन्ड करेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी को और अभी हमने देखा इंस्टेड ऑफ़ एच हमने माइनस जी रखा इंस्टेड ऑफ़ के हमने माइनस एफ़ रखा तो इसको भी चेंज करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी का स्क्वायर प्लस में माइनस एफ़ का स्क्वायर एंड माइनस में सी ठीक है ये आपकी इक्वेशन बन गई तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी तो आप रेडियस और सेंटर डायरेक्टली निकाल सकते हो अच्छा अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी ये सिर्फ कैलकुलेशन था इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से वी कैन रिमूव दिस सॉरी नॉट दिस वन नीचे वाली रहन देते हैं ये रहने निकाल सकते हैं ओके okay. ठीक है सो लेट्स टेक इट यहाँ पे तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बनती है जिसका सेंटर ये होगा और जिसका रेडियस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने निकाल लिया इट इज सिंपली कैसे निकाला वो समझ में आ गया तो रेडियस इसका हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड माइनस सी सो इस इक्वेशन को देख के हम सेंटर निकाल सकते हैं हम बहुत आराम से रेडियस निकाल सकते हैं अब इस पॉइंट को देखो रेडियस तभी एग्जिस्ट करेगा रेडियस रेडियस तभी एग्जिस्ट करेगा जब रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो ठीक है रूट के अंदर की वैल्यू हो पॉजिटिव हो और अगर ये ज़ीरो हो जाती है तो रेडियस कैसा हो जाएगा एक पॉइंट बन जाएगा रेडियस जीरो मतलब जो सर्कल होगा वो पॉइंट सर्कल होगा सो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर आपका ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम लोग पॉइंट्स के थ्रू लिख सकते हैं राइट इन पॉइंट्स सो इफ दिस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज़ इक्ल टू ज़ीरो तो आपका जो सर्कल बनेगा वो पॉइंट सर्कल बनेगा ठीक है जो सर्कल बन रहा है दैट विल बी आ पॉइंट सर्कल लेकिन अगर आपकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो आपका एक रियल सर्कल बनेगा और अगर लेस देन ज़ीरो होगी तो ऑब्वियसली एक इमेजनरी सर्कल बनेगा क्योंकि रेडियस जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता आई होप नेगेटिव स्क्वायर रूट में नहीं आ सकता आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब बात कर लेते हैं बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन की तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है वो भी समझो सो इफ आई मेक दिस कोऑर्डिनेट एक्सेस लाइक दिस सीधा है कि नहीं आई डोंट नो बट ठीक है काम चल जाएगा अपना ओके okay. देखो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ कुछ इस तरीके से एक सर्कल यहाँ पे ड्रा करता हूँ जिसका कोई भी मैं एक आर्बिट्री पॉइंट ले सकता हूँ लेट्स टेक पॉइंट यहाँ पे ये इसका सेंटर होगा ये इसका सेंटर हो जाएगा एंड सेंटर से ये पॉइंट मैं लेट से ये ले लेता हूँ पॉइंट पी ये पॉइंट पी ले, ले लेते हैं एक्स कामा वाई ठीक है ये पॉइंट आपका एक्स कामा वाई हो जाएगा पॉइंट पी आपका दिस इज़ एक्स कॉमा वाई एंड जो सेंटर है वो एच कामा के हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन करूँ इसको इससे जॉइन करूँ तो ये आपका रेडियस बन जाता है एंड ये आपका एक राइट एंगल ट्राएंगल इस तरीके से बन जाएगा ठीक है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएगा मैं पूरा वहाँ तक नहीं जाना बट ठीक है सो so, यहाँ पे ये यह नोट करो कि दिस इज़ योर एंगल थीटा ये जो एंगल अंदर का है दिस एंगल इज थीटा ये एंगल आपका थीटा है तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ देखो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ लेट्स फाइंड आउट यहाँ लिख लेते हैं इफ आई फाइंड आउट कॉस थीटा तो कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाईपोर्ट तो बेस यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं अब ये निकालने के लिए देखो ये जो पॉइंट था आपका एच पॉइंट था ये जो पॉइंट था आपका एक्स पॉइंट था करेक्ट आगे ये एक्स पॉइंट है ये एच पॉइंट है तो आपका जो कॉस्ट थीटा आएगा वो बेस एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय ये जो आर है वो आ जाएगा विच इज़ योर हाई ठीक है ये जो आर है वो सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा सिमिलरली ये आपका साइन थीटा भी है तो साइन थीटा विल बी वाई माइनस के डिवाइडेड बाय आर क्यों क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाई तो थीटा के टर्म्स में यहाँ पे हम पैरामीटर का क्रिएशन करते हैं जहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है जहाँ पे जो ये थीटा की वैल्यू होती है थीटा इज लेस देन इक्वल टू टू पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ये आपके थीटा की एक रेंज बन जाती है तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी फॉर्म होती है वो होती है देखो दोनों अगर मैं आर की बात करूँ तो ये बन जाएगा आपका, आपका एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस डिवाइडेड बाई sin थीटा इक्वल्स टू r. सो दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज नोन एज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल ठीक है तो ये तीन इक्वेशन हमने पढ़ी एक फंडामेंटल एक आपकी स्टैंडर्ड एंड देन आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है आगे बढ़ते हैं देन जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशन थी जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशन थी अगर मैं उसमें h और k की वैल्यू ज़ीरो कर लेता हूँ यानी कि जो मेरा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे इफ़ एच इक्वल टू के इक्वल टू ज़ीरो कर देता हूँ देन इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ये है कि भाई जो सेंटर है दैट इज एट ओरिजिन तो सेंटर अगर ओरिजिन पे होगा तो जो आपका सर्कल बनेगा वो एक सिंपल सर्कल का फॉर्मेशन होगा इस केस में एक सिंपल से सर्कल का फॉर्मेशन होगा और इस सर्कल की जो इक्वेशन बन के आती है दैट इज़ एक्स स्क्वायर

अब हम करते हैं आगे की बात अब देखो ये जो है आपकी एक काइंड ऑफ रिविजन सीरीज़ है क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम में बड़ा पेपर देना है अच्छा पेपर देना है तो आपने जितना भी पढ़ा है सर्कल्स में वो एक प्रॉपर रिविजन हो रहा है जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उन सबको यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं तो अगला जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ठीक है तो जब सर्कल आप क्रिएश सर्कल का आप क्रिएशन करते हो तो कभी कभी वो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को काटता है और जिस तरीके से वो काटता है उसको हम लोग कहते हैं जितना वो पार्ट कट करता है उसको हम लोग इंटरसेप्ट कह देते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको वाइट कलर कर लेते हैं एक सेकेंड ओके कुछ ये वाली बात कर रहे हैं एक ये हो गई लाइन और लेट्स से एक लाइन ये हो गई इसको ऊपर कर लिया जाए थोड़ा सा आई नोटिस स्टेडी बनी लाइन या बेटर अब बेटर का ठीक है काम चलाना है हमें ओके okay, ये आप देख सकते हो तो ये जो हिस्सा ये सर्कल कट कर रहा है x एक्सिस पे ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं इस वाले हिस्से की जो सर्कल x एक्सिस पे ये कट कर रहा है डार्क वाला इसको हम लोग कहते हैं द x इंटरसेप्ट इसको हम लोग कहते हैं द एक्स इंटरसेप्ट एंड सिमिलरली ये जो गुलाबी ले लेते भाई ये जो पिंक वाला हिस्सा जो है ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं वाई इंटरसेप्ट ठीक है दिस इज वाई इंटरसेप्ट तो भाई ये जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वाई इंटरसेप्ट होता है इसका एक स्ट्रेट अवे फॉमूला होता है सो so, अगर आपके पास इक्वेशन दी है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ये आपकी कौन सी थी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी सर्कल की तो आपका जो यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मेशन होगा जो आपका एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मेशन होता है दैट बिकम्स ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ रूट में जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस सी ठीक है ये आपके एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मेशन होगा विथ दिस ओके आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू या ठीक है समझ में आ गया तो ये आपके एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्म होगा सिमिलरली अगर मैं ये करूँ वाई इंटरसेप्ट पे यहाँ तक ऐसा भी मैं समझाता हूँ वाई इंटरसेप्ट का जो फॉर्मेशन होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो दीस टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर यू एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट का हो रहा है तो ये हो कैसे रहा है ये समझ लेते हैं देखो यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पे जो सर्कल है ये आपका ये जो आपका सर्कल है ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो इसमें वाई जीरो होगा तो अगर मैं कभी पॉइंट देखो यहाँ पे अगर एक्स वन डाल दूँ यहाँ पे एक्स टू डाल दूँ ठीक है अगर यहाँ पॉइंट्स एक्स वन एकस डाल देता हूँ तो जो ये डिफ्रेंस होता है ये होता है मॉड ऑफ एक्स वन मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एस टू मतलब उससे प्रॉपर आप इसको डिराइव कर सकते हो क्योंकि ये एक्स वन कॉमन जीरो डालोगे तो जितने भी वाई के टर्म होंगे वो जीरो हो जाएंगे तो ये आपका एक्स वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस सी आ जाएगा एक्स तो टू का स्क्वायर प्लस टू जी समथिंग लाइक दैट एंड ये डिफरेंस ऑफ रूट्स की हम बात कर रहे हैं ठीक है सो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल सकता है बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा ये फॉर्मूला है सो so आप दिस इज क्लियर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आपका कैसे आएगा क्लियर हो गया सो दिस इज़ वॉट इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द अच्छा इससे पहले इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले आपको आई होप ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर कभी इस तरीके से बन रहा है ओके okay, कभी मैंने अगर ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्स एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस बनाया और सर्कल कुछ इस तरीके से बनाया कि सिर्फ इसको टच करते हुए जाए एक्स एक्सेस को टच करते हुए जाए तो यहाँ पे जो आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा और जो वाई इंटरसेप्ट होगा जो वाई इंटरसेप्ट होगा उसको आप कह सकते हो डज नॉट एक्जिस्ट तो अगर टच नहीं करेगा या कट नहीं करेगा तो वो केस बन जाएगा डज नॉट एक्जिस्ट वाला टच करेगा तो इंटरसेप्ट मेड इज़ ऑलवेज ज़ीरो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू लेट्स मूव वन टू द न्यू टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेट्स पोजिशन सॉरी पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल मतलब एक सर्कल से पॉइंट का रिलेशन जो है या क्या रिलेशन उसमें इस्टेब्लिश हम कर सकते हैं या क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है ठीक है पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल तो एक सर्कल ले लेते हैं लेट्स मेक अ सर्कल ओके लेट्स मेक अ सर्कल लाइक दिस एंड एक पॉइंट है कुछ इस तरीके का जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है लेट्स कॉल दिस पॉइंट एस इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉइंट है एक फिक्स वैल्यू दो हो तो एक्स वन कॉमा वाई वन इसको बोल सकते हैं ठीक है सो so, जो इस सर्कल की इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन हम लोग जनरली एस से डिनोट करते हैं आप सी भी दिखेगा एस भी दिखेगा कई चीजें तरीके इसके डिनोट करने के तो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं तो इट इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई एंड प्लस मिस सी इक्वल टू जीरो एस सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो और अगर मैं इस पॉइंट का रेफरेंस लेना चाह रहा हूँ इस सर्कल से पॉइंट का कुछ रिलेशन देना चाह रहा हूँ तो so मैं इसको बोल सकता हूँ एस वन अब एस वन क्या होता है एस वन इज़ बेसिकली यू पुट दैट पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल अब ये जब मैं इक्वेशन में डालूंगा तो ये देखो आपका बन जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन एंड प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो आती है आपकी ये जो चीज निकल के आती है दिस इज नोन एज द पावर ऑफ अ पॉइंट ठीक है दिस इज नोन एज द पावर ऑफ अ पॉइंट एंड हर पॉइंट की अपनी एक पावर होती है वो पावर का मतलब क्या होता है उस पॉइंट को आपने सर्कल के अंदर बस इक्वेशन में डाल दिया एंड दैट इज नोन एज द पावर ऑफ अ पॉइंट अब ये जो पावर ऑफ अ पॉइंट दर्शाती है या बताती है वो क्या होता है हम उसको समझते हैं अच्छा इसको जीरो नहीं लिखते सिर्फ पावर ऑफ अ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं एस वन इज सच दैट ये वैल्यू होगी तो यहाँ से आपके देखो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी क्योंकि आपने नंबर्स को यहाँ पुट किया है तो एक रियल नंबर या कोई भी नंबर मिलेगा और जो भी नंबर मिलेगा वो कुछ दर्शाएगा एस वन की जो होगी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो इसके तीन केसेस देखो बेटा पॉसिबल होते हैं जो एस वन निकल के आएगा इसके तीन केसेस पॉसिबल होंगे इफ दिस एस वन इज ग्रेटर देन जीरो एस वन लेस देन जीरो एंड एस वन इक्वल टू जीरो ये तीन केसेस देखो आपको मिलेंगे ठीक है ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये वाला जो केस होगा हमें ये बताएगा ये वाला जो केस होगा वो हमें ये बताएगा कि जो पॉइंट पी है द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड आउट द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल ठीक है द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल ये बताएगा पॉइंट पी लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल एंड बताएगा कि द पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल सर्कल के जो लाइन है उसके ऊपर ही लाइ करेगा पॉइंट तो ये होगा तो तीन केसेस आपके ये पॉसिबल होते हैं वो तीनों केस हमने लिख दिए एक आपका आउटसाइड है एक आपका इनसाइड है, है एक होता है लाइज ऑन द सर्कल तो ये तीन केसेस आपके यहाँ पे बनेंगे ठीक है आउटसाइड इनसाइड एंड ऑन द सर्कल के बनेंगे तो पावर ऑफ अ पॉइंट भाई समझ में आ गया क्या होता है एंड उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे कि ये पॉइंट सर्कल के कहाँ पर लाइ कर रहा है तो आपको क्या लिखना है नाउ यू नो ठीक है चलो भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ तो नाउ विल टॉक अबाउट अ सर्कल एंड अ लाइन लेट्स टॉक अबाउट सर्कल एंड लाइन की सर्कल एंड लाइन की हम यहां बात करेंगे ओके okay, सो so, कई प्रकार की लाइन होती हैं, जो हमारे सर्कल को भेदते हुए निकलती हैं या कट करते हुए निकलती हैं। तो वो लाइन क्या होंगी देखो सो so, आपका ये सर्कल है दिस इज य सर्कल बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं अब अगर जो आपकी लाइन होगी वो इसको ऐसे कट करते हुए निकले कि वो अंदर से कट कर रही है इट्स इन द कलर ऑफ दिस लाइन ओके वाइट ले लेते हैं ओके okay. या अगर ऐसी कोई लाइन बनती है कि वो जो लाइन है सर्कल को बस टच करते हुए निकले एक सिंगल पॉइंट पे इस तरीके से टच करते हुए निकल रही है या फिर वो जो लाइन है ना टच करते हुए निकल रही है ना ही अंदर से भेदते हुए निकलिए कुछ इस तरीके की राइट तो ये तीन प्रकार की लाइन आपको देखने को मिलती है तो जो सर्कल के अंदर से गुजरती है ऐसे दो पार्ट में सर्कल को टच करते हुए या कट करते हुए निकलती है दैट इज नोन एज अ सीकेंट दैट इज नोन एज अ सीकेंट या सेकेंड आप बोलते हो एंड दैट इज ओके देन आपकी ये वाली जो लाइन होती है दैट लाइन इज नोन एज अ टैजेंट दिस लाइन इज नोन एज अ टैंजेंट और ये वाली लाइन होती है ये नाइदर अ सीकेंट नॉर अ दिस इज नाइदर सीकेंट नॉरा टैंजेंट ठीक है ना ये सिकेंड होती है ना ये टेंजेंट होती है ओके okay? अब यहां से समझो कैसे हम बता सकते हैं कि लाइन सीकेंट है टैंजेंट है ना सीकेंट है ना टैंजेंट है यह चीज हम कैसे बता सकते हैं कैसे बया कर सकते हैं तो एक चीज समझो लेट से एक लाइन आप ले रहे हो लेट से आप एक लाइन ले रहे हो एंड देन एक सर्कल लेते हैं ठीक एक सर्कल यहाँ पे ले लिया ओके एंड सर्कल का सेंटर बना लिया अब अंडरस्टैंड दिस अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये जो लाइन है ये जो लाइन है तो ये लाइन है कोई भी लाइन हो सकती है अब ये लाइन से इसका जो लेना देना है वो क्या है? लेना देना है वो समझते हैं ठीक है ठीके? अगर मैं इनके पर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखूँ इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस लाइन ये कुछ निकल के आएगा लेट्स कॉल दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस पी लेट्स कॉल दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस पी एंड जो ये वाला पार्ट होगा ये येलो वाला पार्ट होगा ये रेडियस होगा सर्कल का अब आप खुद समझ सकते हो कि भाई अगर अगर ये जो पी की वैल्यू थी ये एक्जैक्टली आर के बराबर हो जाए यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर है तो ये लाइन एक्जैक्टली इसको बस टच कर रही है तो जो केस होगा पी इज इक्वल टू आर वाला वो ये वाला केस होगा कि एक टैंज बन रहा है अब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस से रेडियस देखो यहाँ तक है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी सेंटर से यहाँ तक है तो अगर आपका जो P है वो लेस देन R होता है यानी आप एक सीकेंड का फॉर्मेशन कर रहे हो और अगर P की जो वैल्यू है ग्रेटर देन R हो जाती है तो ना ही वो सीकेंड बन रहा होता है ना ही वो टैंजेंट बन रहा होता है तो यहाँ पर जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वही हमें देखना है कि इफ पी इज़ इक्वल टू आर यही देखना है दिस इज़ द कंडीशन फॉर टेंजेंसी टैंजेंट एक तभी बनती है जब आपकी एक सिंगल लाइन टच करते हुए निकले और उसका डिस्टेंस सेंटर से उतना ही हो जितना रेडियस है आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो ये तो बात थी सर्कल सर्कल की अब मेन जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि टैंजेंट की इक्वेशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एंड नॉर्मल की इक्वेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू सर्कल ये क्वेश्चन आपका बनता है सो टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बात करते हैं तो एक सर्कल आपके पास है एंड अगर कोई लाइन इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल रही है ठीक है जैसे हमने बताया कोई लाइन अगर इसको एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकल रही है इस लाइन को पास में ले आ जाते हैं एक बहुत ही बारीक पॉइंट पे टच कर रही है ठीक है कुछ इस तरीके से एक सिंगल पॉइंट पर अगर लाइन टच कर रही है तो इस पॉइंट को जहाँ पर लाइन टच कर रही है ठीक है ये जो पॉइंट है जहां पे लाइन टच कर रही है इसको हम एक पॉइंट पी बोल सकते हैं और लेट्स कॉल दिस एस एक्स कॉमा वाई ठीक है लेट्स कॉल दिस एस पॉइंट एक्स कॉमा वाई यहां पे तो ये जो लाइन के कहलाएगी दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट टैंजेंट एट एक्स कॉमा एक्स वन कामा वाई वन ठीक है एक्स वन कामा वाई वन एंड अगर कोई लाइन है कोई लाइन है वो इसी के परपेंडिकुलर है कोई लाइन है वो एग्जैक्टली exactly इसके परपेंडिकुलर है टैंजेंट के तो ये होगी नॉर्मल दिस इज द नॉर्मल एट एक्स वन कॉमा वाई वन अब इनकी इक्वेशंस कैसे निकलती हैं हम वो समझते हैं क्योंकि वही पूरा हमारा डिस्कशन का बेसिस है और क्वेश्चन भी जनरली उसी पे हमसे पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टैनजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ठीक है तो अगेन लेट्स मेक अ सर्कल सर्कल बनाना बड़ा आसान सा है देखो सर्कल बन गया प्यारा सा एकदम अब अगर इस पर एक टेंजेंट पास हो रही है अगर इस पर एक टैंजेंट पास हो रही है लेट्स से दिस टेंजेंट ये वाली टेंजेंट इससे जा रही है सीधा सीधा ओके okay? ये टेंजेंट इसको टच कर रही है एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन देखो टेंजेंट हो गई ठीक है सो वी आर टॉकिंग अबाउट सबसे पहले तो ये लिख लो इक्वेशन ऑफ ठीक है इक्वेशन ऑफ टेंट तो जो अगर इक्वेशन यहाँ ये इससे पास हो रही है तो इसकी जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन ऑफ होगी टी इक्वल टू जीरो तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंट एट पॉइंट एट पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन लाइंग ऑन द सर्कल ठीक है सर्कल पर ये लाई कर रहा था और उसकी ही ये इक्वेशन होगी अब निकालने का जो तरीका होता है वो होता क्या है सबसे ध्यान से सुनना जिंदगी सेट है आपकी कुछ भी करना नहीं है अब देखो जो सर्कल की इक्वेशन होती है जो सर्कल की इक्वेशन होती है दट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई एंड प्लस में सी इक्वल टू ज़ीरो ये एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन है मतलब कि यहाँ पे पावर टू है लेकिन जो टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है मतलब उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो वन होती है सो so आपको करना क्या है करना बस इतना सा काम है कि इसमें क्या करोगे जहाँ जहाँ एक्स है एक एक्स को एक्स वन कर देना है एक वाई को वाई वन कर देना है एंड दैट सेट आपका काम हो जाएगा सो वाट आई एम सेंग इज़ कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेंट होती है दैट इज एक्स इंटू एक्स वन देखो x का स्क्वायर था अभी भी एक्स स्क्वायर मेंटेन है बट एक x को मैंने x1 कर दिया सिमिलरली वाई इंटू वाई वन हो जाएगा अब यहाँ पे देखो टू एक्स थे दो एक्स थे तो g हम एज इट इज लिखेंगे g हम एज इट इज लिखेंगे एंड वी राइट इट एज x प्लस एक्स वन प्लस यहाँ पे f एज इट इज लिखेंगे y प्लस वाई वन एंड जो c है प्यारा सा उस सी को बिना कुछ छेड़े हम लिखेंगे प्लस सी इक्वल टू जीरो जो आपकी इक्वेशन बन के आएगी दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन प्यारी इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ठीक है इसको हम ये भी बोल सकते हैं देखो ये क्या है आपका ये है आपका टी इक्वल टू जीरो बहुत ही बेसिक सा था और बहुत ही अच्छे से सा आएगी समझ में आ गया होगा अब अगर मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ इफ़ आई फाइंड द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इसको इधर उधर करके जब मैं स्लोप निकालूंगा तो इसका स्लोप आपको निकल के आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं आ, नीचे लिख लेते हैं कि भाई स्लोप ऑफ टैनजेंट तो एम ऑफ टी लिख लेते हैं स्लोप ऑफ टैनजेंट मतलब एम ऑफ टी यहाँ पर लिख लिया एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन ठीक है दिस कम्स आउट टू बी माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन ये स्लोप इसका निकल के आता है अब अगर इसी की हेल्प से मैं नॉर्मल का स्लोप निकालने की कोशिश करूं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा भाई देखो दोनों आपस में 90 डिग्री पे होती हैं तो स्लोप ऑफ ट्रांजिट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा दैट विल बी इसका रिसिप्रोकल करके पॉजिटिव साइन लगा देंगे तो वाई वन अपॉन एक्स वन तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है अब एक बार में स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं तो राइट यहाँ पेमल नॉर्मल मीन्स क्या है वो लाइन जो टैंजेंट के परपेंडिकुलर हो वो लाइन जो टैंजेंट के परपेंडिकुलर हो अब इसको निकालना भी बड़ा आसान सा काम है एक सर्कल आपको दिया रहेगा इस तरीके से और एक सेकेंड बस के okay. यहाँ पे जो लाइन इस तरीके से बन के आएगी परपेंडिकुलर टू तो द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट दिस लाइन इज नोन एज द दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल ठीक है आई होप दिस इज क्लियर अब इसका जो स्लोप होगा यानी जो इसका स्लोप होगा ये कितना होगा वाई वन अपॉन एक्स वन होगा तो भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम लिखते हैं वाई माइनस वाई वन छोटी सी तो बात थी क्लियर तो यह आपका हो गया इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट यह आपका हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द टेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपको अगेन ये करना पड़ेगा एंड वाई वन एक्स वन निकालना पड़ेगा देन आगे आप काम कर सकते हो अब देखो जो ये टी इक्वल्स टू जीरो है मैंने बताया ना कि अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपने 25% परसेंट समझ लिया हर एक टॉपिक पे कोनिक आपने अच्छे से समझ लिया तो जो ये टी इक्वल टू ज़ीरो होता है जो ये आपका टी इक्वल टू ज़ीरो होता है ये वाली चीज़ दिस इज वैलिड फॉर वैलिड फॉर सर्कल्स पैराबोला एलिप्स एलिप्स एंड हाइपरबोला सबके लिए ये चीज़ आपकी वैलिड होगी हर एक इक्वेशन के लिए ये वैलिड होगी कि ये टी इक्वल टू जीरो आपका है ठीक अब अगर आप जिसको इक्वेशन कोई भी इक्वेशन को लिखने से पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है तो टैंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी या किसी को भी रखोगे क्या करोगे तो t इक्वल्स टू जीरो निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे एक्स इंटू एक्स वन से ठीक है वाई स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे वाई इंटू वाई वन से ओके okay. यहाँ पे टू एक्स को आप रिप्लेस कर दोगे एक्स प्लस एक्स वन से एक एक्स था ना तो ऐसे बस जुड़ के टू एक्स होना चाहिए टू वाई को रिप्लेस कर दोगे वाई प्लस वाई वन से एंड जो सी है वो बेचारा सी ही रहेगा उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है एक और चीज़ होती है जो आपको इलिप्स एंड हाइपरबोला देखने को मिलेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली पैराबोला में भी अगर आपके पास एक्स वाई लिखा है तो इसको आपको लिखना होगा एक्स वन वाई प्लस वाई वन एक्स डिवाइडेड बाई टू तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मतलब तो सभी इंपॉर्टेंट है ये वाली जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स वन वाई प्लस वाई वन एक्स ये चीज लिखोगे एंड डिवाइड बाई टू करोगे एक्स वाई को ऐसे आपको रिप्लेस करना था सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते विच इज पेयर ऑफ टैंजेंट्स विच इज पेयर ऑफ टैंजेंट देखो टॉपिक सर्कल का है लेकिन टैंजेंट्स बहुत आती हैं बिकॉज दीज स्ट्रेट लाइन आपका टूल है बाकी सारे चैप्टर करने के लिए तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की हम बात करेंगे अब सो पेयर ऑफ टेंजेंट्स में क्या होता है लेट्स आपके पास एक सर्कल है एक सर्कल है आपके पास ठीक है और एक सेम पॉइंट से सेम पॉइंट से वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है हम दो टेंजेंट्स को ड्रा करेंगे एक टेंजेंट आपकी ये जगह ही और दूसरी टेंजेंट आपकी ये यहाँ से क्रॉस कर रही है ठीक है दो टेंजेंट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी बना ली ठीक है तो so, ए ये जो पॉइंट है आपका दिस पॉइंट इज नोन एज एक्स वन कॉमा वाई वन अगेन एक्स वन कॉमा वाई वन हो गया अब आपकी इक्वेशन की जो सर्कल uh, की जो इक्वेशन होगी वो होती है एस से हम डिनोट करते हैं तो एस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड मैंने आपको ये बताया था जो पावर ऑफ अ सर्कल होता है वो क्या होता है अगर मैं इसमें एस वन लिख रहा हूँ यानी मैं इस पॉइंट को इसके अंदर डाल रहा हूँ दिस विल बी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन एंड प्लस में सी ये आपका क्या आएगा ये आपका आएगा पावर ऑफ अ सर्कल एंड अगर मैं टैंजेंट की इक्वेशन की बात करूँ तो टैंजेंट कितना आया था टैंजेंट आया था एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन एंड प्लस में सी ये टेंजेंट की आ रहा था सो so, जो टैनजेंट की इक्वेशन आती है बनती कैसे जो टैनजेंट की इक्वेशन आती है बनती कैसे है दिस इज सिंपली यू कैन से जो टी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी वो एस इन टू एस वन आएगी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इसका स्क्वायर करके वैल्यू मिल जाएगी ठीक है इन दोनों को मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहां पे मुझे स्क्वायर कल के मल्टी वैल्यू मिल जाएगी तो दिस इज नोन एज दिस थिंग ये जो चीज मैंने निकाली दिस थिंग इज नोन एज कम्बाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ टेंजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ टेंजेंट्स ठीक है तो ये कंसेप्ट था ये क्वेश्चन हम अलग अलग टॉपिक में देखेंगे कंसेप्चुअल पूरा एक वीडियो रहेगा आपको सारे नोट्स मिलेंगे सब कुछ अच्छे से आएगा ठीक है तो दिस इज नोन एज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स इस पर अच्छे खासे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ठीक अब देखो लेंथ ऑफ अ टैंजेंट नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ अ टैंजेंट लेंथ ऑफ़ टेंट तो अगर एक टैंजेंट यहाँ ड्रॉ किया जाए, जाएगा सर्कल एंड इस पर एक टैंजेंट समथिंग लाइक दिस ठीक है तो ये जो लेंथ होगी टैजेंट की किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेट्स ओके okay. किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये यह यहाँ से इस पॉइंट तक ठीक है सर्कल को जहाँ पे वो टच कर रही है और जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट हो रही है पी ऑफ एक्स वन कॉमा y1 जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है एंड जिस पॉइंट पे सर्कल को वो टच कर रही है तो यू कैन से कि जो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट आती है लेंथ ऑफ द टेंजेंट आती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ अ सर्कल ठीक है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट होती है स्क्वायर रूट ऑफ द पावर ऑफ द सर्कल बहुत बेसिक सा चीज थी इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं आपको विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू रूट में यानी किया ना अभी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन एंड प्लस में c रूट के अंदर ये वैल्यू जो आ रही है दिस इज़ नोन एज योर लेंथ ऑफ अ ट्रांजेंट एंड ऑब्वियसली आपको मालूम है इस केस में इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए एक्सक्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल ठीक है तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो और याद रखना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ठीक है क्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक है ये निकालना बड़ा आसान सा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या पहले ये समझ लो निकालना तो आसान सी चीज है सब चीजें इसमें आसान है द ओनली थिंग यू नीड इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए तो लेट से आपके पास यहाँ पे दो एक सिंगल पॉइंट से टैंजेंट्स आ रही हैं एक सिंगल पॉइंट से टैंजेंट्स आके यहाँ पे सर्कल को टच कर रही हैं ठीक है वो पॉइंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता था मैं इस तरीके से ले लेते हैं ओके okay. एक सिंगल पॉइंट से टैंजेंट ओरिजिनेट होके सर्कल को टच कर रही है भाई बन ओके समथिंग लाइक दिस तो जिस पॉइंट से देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे टच किया इस पॉइंट से यहाँ पे टच किया तो so, इनको जोड़ के अब जो लाइन बनेगी इनको जोड़ के जो लाइन बनेगी दिस लाइन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये पॉइंट टच हो रहा है दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे टैंजिंग सर्कल को टच कर रही है दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है आपका एंड एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है ठीक है दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं और जो इनका ओरिजिनेशन हुआ था जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई थी उस पॉइंट को हम एक्स वन को वाई वन बोल रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ठीक तो ये जो लाइन बन रही थी ये जो लाइन बन रही थी एक लाइन बन रही थी एंड जो सर्कल के अंदर जितना पार्ट है उसको हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को टच करके जो लाइन बने जो कॉर्ड बने उसको हम लोग कहते हैं द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और इसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है तो इक्वेशन इसकी जो इक्वेशन होंगी इक्वेशन विल बी टी इज इक्वल टू जीरो अभी हमने यह देखा टी कुछ क्या है सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है कॉन्सेप्ट तो एक बार आप टॉपिक समझ जाओ कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ठीक है अब क्या होता है ओके <laughs> okay. अगला कंसेप्ट है आपका कॉर्ड का निकालना जब आपको उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट गिवन होगा तो उसका इक्वेशन कैसे निकालनी है तो कॉर्ड गिवन नेक्स्ट वी हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड एक सर्कल है आपका ये सेंटर हो गया एंड एक कॉर्ड इस तरीके से पास कर रही ठीक है ये आपकी कॉर्ड ए बी है ये आपकी कॉर्ड ए बी है इसका एग्जैक्टली exactly आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है एग्जैक्टली exactly, आपका मिड पॉइंट दिया है मतलब ये जो मिड पॉइंट है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज एक्स वन वाई वन ठीक है ये आपका जो पॉइंट है ये एक्स वन वाई वन है क्लियर तो जो इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ कॉड मिडल पॉइंट इज यहाँ लिख सकते हो आप द इक्वेशन ऑफ कॉड हु पॉइंट इज X, comma, Y, एक्स वन कॉमा is वन is टी इज इक्वल टू एस वन ठीक है T is equal to एस वन ये हो रहा है आपका equation of a chord जिसका आपको middle point दिया है एक्स वन कामा वाई वन इसको हम prove भी कर सकते हैं but prove करके क्या फायदा अभी सिर्फ आपको यहाँ पे ये यह चीज समझनी है कि ये होगा ठीक Let's move on to the next concept. विच इज अ सर्कल एंड अ सर्कल अब सर्कल के अंदर सर्कल सर्कल के बाहर सर्कल बताओ कितने सर्कल ये हमें यहाँ पे बनाना है तो सर्कल्स बनाते हैं बहुत सारे सर्कल्स बनाएंगे यहाँ पे तो देखो सर्कल एंड सर्कल की बात कर रहे हैं लेट्स टॉपिक व्हाट्स अ रिलेशन बिटवीन अ सर्कल एंड अ सर्कल दो सर्कल्स के बीच में कैसे हम एक रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं वो हम देखेंगे पहला रिलेशन चलो पहले सर्कल्स बना लेते हैं एक सर्कल यहाँ पर बना लिया जाए और एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लिया जाए ठीक है एक पार्ट तो चलो ये हो गया आपका सर्कल सर्कल का एक पार्ट ये हो गया एक तब जब दोनों सर्कल टच कर रहे हो जस्ट टचिंग या ठीक है जस्ट टच कर रहे हैं एंड वो सर्कल जब सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक बड़ा सर्कल हो गया एक छोटा सर्कल इसको आके इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से समथिंग लाइक दिस ठीक है ओके okay. ये भी हो गया तीन केसेस एक बड़ा सा सर्कल उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और एक बड़ा सा सर्कल हो गया उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और ले देते हैं इस तरीके से जो अंदर जस्ट टच कर रहे हैं ठीक है अंदर जस्ट सर्कल इसको टच कर रहा होगा एक नेक्स्ट बड़ा सा सर्कल एंड उसके अंदर एक दूसरा छोटा सा सर्कल ना टच कर ना कुछ कुछ इस तरीके से बस पड़ा होगा एंड देन सर्कल के अंदर सर्कल बोलो कितने सर्कल एक सेकेंड को छोटा कर लिया जाए ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपके पास छह प्रॉपर्टीज़ हैं दिस इज़ पहला पार्ट दिस इज दूसरा पार्ट दिस इज तीसरा फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ओके तो छह केसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं एंड इसको हम समझते हैं ओके सो so इन सबके अपने अपने सेंटर्स हैं इसका सेंटर लेट्स से सी वन लेट्स कॉल दिस सेंटर है सी इसका जो रेडियस है दैट इज आर एंड इसका जो रेडियस है लेट्स कॉल दिस आर टू यहाँ पर भी सेम ये आपका सी वन हो जाएगा ये आपका सी टू देन इसका रेडियस आर वन इसका रेडियस आर टू ठीक एंड यहाँ पे सेंटर इसका इसका सेंटर ये है इसका सेंटर ये है ओके okay? यहाँ पे देखो इसका सेंटर यहाँ पे हो गया और ये छोटू छोटू वाला जो है इसका सेंटर नहीं बनेगा बनेगा और इसका जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ पर हो जाएगा क्लियर यहाँ पे सेंटर देख लो भाई जो अंदर वाले का सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा बाहर वाले का जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा बहुत बढ़िया और उसका सेम सेंटर है ठीक है तो ये सेंटर्स आपके देखो क्रिएट हो गए सबका सीवन सीटों आप समझ रहे हो ये आपका देखो इधर सीवन हो गया Just a second. take up better. Okay. ठीक है तो ये आपके सेंटर अगेन uh, सी वन दिस इज अगेन सी टू अब जो इनके सेंटर में डिस्टेंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में कैसे रिलेट होगा अब देखो अगर जो हमारा C1 और C2 का डिस्टेंस है मतलब अगर डिस्टेंस फॉर्मला से, से सेंटर को निकाल के दिखाएं तो इस केस में जो होगा वो रेडियस वन प्लस रेडियस टू से ज़्यादा होगा करेक्ट पहला वाला जो केस है सी वन सी टू का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा तो वो क्लियरली रेडियस वन रेडियस टू से ज़्यादा होगा इस वाले केस में जब सर्कल एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका सी वन सी टू होगा उसकी वैल्यू एग्जैक्टली आर वन प्लस आर टू के बराबर होगी ठीक है इस केस में जो इनका रेडियस होगा लेट्स कॉल दिस आर वन माइनस आर टू का मॉड मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रेडियस का डिफरेंस में नहीं आनी चाहिए आर वन बड़ा है आर टू बड़ा है मुझे क्या पता लेकिन इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन सी वन सी टू एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू तो अगर मैं दोनों के रेडियस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एंड देन एड कर रहा हूँ तो उनका जो समेसन होगा उनके लेंथ से हमेशा बड़ा होगा देखो इसका रेडियस इतना है इसका रेडियस ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में रेडियस का सम बड़ा होगा लेकिन रेडियस का डिफरेंस विल ऑलवेज बी छोटा देन दिस यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका C1 C2 की वैल्यू आएगी दैट इज अगेन मॉड R1 वन माइनस आर से आ, छोटी होगी जो C1 C2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी अच्छा एक्जैक्टली बीच में लाई करना था अच्छा टच कर रहा था सॉरी ये वाला जो सर्कल था वो टच कर रहा था ना एग्जैक्टली exactly वो टच कर रहा है इसको इस तरीके से ठीक है तो इस वाले केस में जो C1 और C2 की वैल्यू आएगी दैट इज दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दैट विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू मॉड ऑफ R1 वन माइनस आर ये इक्वल हो जाएगी दूसरे वाले केस में ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर की जो डिस्टेंस होगी सेंटर की C1 वन एंड सी टू की सी वन सी टू विल ऑलवेज भी लेस देन आर वन माइनस आर टू ठीक है ऑलवेज भी लेस देन आर वन माइनस आर टू और यहाँ पर तो भाई कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कैसा है ये आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स है

ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इस कॉमन टैंजेंट्स कॉमन टैंजेंट्स की बात कर लेते हैं सो so अगर मैं दो सर्कल्स का क्रिएशन करूँ यहाँ पे, लेट्स मेक टू सर्कल्स एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं एक थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं ठीक है इस तरीके से सर्कल ले लेते हैं ओके okay. अब एक सिंगल लाइन अगर इनको एक सिंगल पॉइंट पे कट करते जाए देखो टैंजेंट्स कितनी बन सकती हैं कितनी कॉमन टैंजेंट्स यहां पे क्रिएट हम कर सकते हैं नहीं यहां से अगर ये एक सिंगल पॉइंट पे इस तरीके से टच कर रही है समथिंग लाइक दिस लेट्स चेंज द कलर येलो सिमिलरली यहां पे भी एक पॉइंट को ऐसे टच करते हुए जा रही है यहाँ भी टच ही करवाना है इसको बेटर ये लो तो ये जो टैंजेंट्स बनी ये एक कॉमन टैंजेंट का काम करेगी ठीक है दिस इज अगेन अ कॉमन टैनजेंट लेकिन अगर मैं इस तरीके से कुछ बनाता हूँ लेट्स यूज वाइट कलर अगर मैं यहाँ पे इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस कि भाई इन दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए जा रही है लाइन ही बना लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से टच करते जा रही है यहां से देन यहां से समथिंग लाइक दिस ठीक है बेटर ओके तो ये आपकी कॉमन टेंजेंट बन सकती है तो दो सर्कल्स में मैक्स टू मैक्स चार कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल हैं तो मैक्स टू मैक्स किसी भी दो सर्कल्स में फोर कॉमन टैंजेंट्स आर पॉसिबल ठीक है मैक्सिमम कितनी है मैक्सिमम चार कॉमन टैंजेंट्स आर पॉसिबल इन अ सर्कल अब जो ये येलो वाली आपको दिख रही है जो ये येलो वाली दिख रही है दीस येलो वाली टैंजेंट्स आर नोन एज डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स जो ये येलो वाली हैं ये आपके डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स कहलाती हैं और जो ये अंदर वाली दिख रही है दिस वाइट्स वन वाइट वन तो ये आपकी कहलाती हैं इनडायरेक्ट। दिस इज इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट ठीक है दिस इज इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स। तो ये चार मैक्सिमम टैंजेंट्स कॉमन टैंजेंट्स आपकी बन सकती हैं दो टाइप की होती हैं एक होती है डायरेक्ट एंड एक होती है इनडायरेक्ट अब इनकी जो लेंथ होती है वो हम डायरेक्टली देखो कैलकुलेशन कर सकते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक यही है प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ठीक है चलो देखो अगेन अगर मैं दो सर्कल्स का क्रिएशन करूं एक सर्कल बड़ा अभी के लिए एंड एक छोटा ले लेते हैं कैलकुलेशन समझना है यहाँ पे एक टैंजेंट यहाँ पे ड्रा करते हैं ठीक है टैंजेंट ड्रा करते हैं टेकिंग दिस इन माइंड इस पॉइंट इस पॉइंट पे टच कर रही है समथिंग लाइक दिस ओके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे टच कर रही है इसका जो सेंटर है एंड इसका जो सेंटर है इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं विल ड्रॉप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द टेंजेंट इट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा 90 डिग्री है और यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दिस इज अगेन 90 डिग्री तो जहाँ पे वो टच करेगा वही 90 डिग्री हो जाएगा ये टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जब सेंटर से आप किसी भी टेंजेंट पे ड्रा करोगे तो वह नाइन्टी डिग्री होगा ठीक अब नाउ सी इफ आई ऑल्सो जॉइन द रेडी मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा इफ़ आई जॉइन द डिस्टेंस एज वेल इन दोनों के सेंटर्स को अगर मैं इस तरीके से जॉइन कर दूँ समथिंग लाइक दिस ठीक है समथिंग लाइक दिस तो भाई ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस डी हो जाएगा लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज डी जो दोनों सेंटर्स को टच कर रहा है सी वन एंड सी टू को तो d क्या है यहाँ पे c1 c2 का डिस्टेंस है ये जो रेडियस थी ये वाली जो रेडियस थी आपकी इसको इसके लगते थोड़ा सा ये वाली जो रेडियस थी दिस रेडियस वॉज आर वन एंड दिस रेडियस लेट से वर टू दिस रेडियस वॉज आर टू रेडियस वन एंड रेडियस टू तो दोनों रेडियस भी आपको यहाँ से दिख रही हैं अब अगर मैं देखो यही लाइन को ये वाली जो लाइन आपकी थी इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बना लेते हैं अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ सीधा सीधा देखो पर पैरेलल टू दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन अगर मैं रखता हूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस बन के आएगा ये वाला जो डिस्टेंस बन के आएगा ये भी डी बन के आएगा और ये जो था ये जो पूरा था वो आर वन था लेकिन जो ये वाला पार्ट था वो एग्जैक्टली exactly इसके बराबर यानी वो आर टू के बराबर हो जाएगा करेक्ट करेक्ट अब मुझे क्या निकालना है मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था यही तो था मेरा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिस वॉज लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ही मेरा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैनजेंट आ जाएगा तो ये जो पार्ट आएगा ये वाला पार्ट ये देखो पूरा आर वन था इसमें से आर टू हटा दो तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है कितना आ रहा है यार आर वन माइनस आर टू ठीक ये जो डिस्टेंस है जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ये डी है और मुझे अगर लेंथ ऑफ तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तक निकालना है लेंथ ऑफ तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो मैं इसमें क्या करूँगा देखो 90 डिग्री क्या है ध्यान से समझना ये 90 डिग्री को ज़रूरी नहीं है लेकिन दिस इज़ 90 डिग्री डेफिनेटली दिस इज़ डेफिनेटली 90 डिग्री अब 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाईपोटन्यूस होता है तो हाइपोटन्यूस ये है बेस ये है और परपेंडिकुलर लेट्स इसको बोल दो कुछ भी बोल दो बट हाईपोटन्यूस मेरा ये है तो अगर हाइपोटन्यूस ये होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ भाई डी स्क्वायर इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर प्लस ये वाला जो था विच इज़ आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर ठीक है ये चीज़ थी और मुझे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो यहाँ से मेरे को मिलेगा द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल्स टू डी का स्क्वायर माइनस में आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर और इस पूरे पे लेना है स्क्वायर रूट इस पूरे पे लेना आपको इसका था क्योंकि जरूरी था, वरना आप याद ना रहता ठीक है इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट की बात करूं उसको भी मैं सेम तरीके से डिराइव कर सकता हूं तो प्लीज टेक दिस देन हम आगे बढ़ते हैं hmm. चलिए आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टैंज की तो अगेन अब दो सर्कल्स हैं वेट अ मिनट तो इसी का उपयोग क्योंकि ना किया जाए लेट्स डुप्लीकेट दिस ओनली ओके बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है सो so, यहाँ पे ठीक है सर सर्कल नहीं जाना था भाई और कुछ जाना है नहीं ओके देखो सो ये दो सर्कल्स थे हमारे पास इसको मैं रेस कर सकता हूँ बहुत बढ़िया तो अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ एंड यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ तो ये इनडायरेक्ट टेंजंस बनती हैं तो मुझे अभी एक की जरूरत है दोनों की लेंथ वैसे भी सेम आती है तो ये जो मैंने लाइन बनाई है दिस इज बेसिकली आपकी लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ठीक है लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपकी लेंथ हो जाएगी क्लियर अब यहाँ से आप देखोगे तो आपका आर है एंड ये जो है आपका दिस इज़ आपका आर क्लियर अब इनके सेंटर्स को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ समथिंग लाइक दिस तो ये आपका डी बन जाता है दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ डी ओके दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी तो अब बेटा ये डी है ये आर वन है ये आर टू है तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ ये देखो नाइन्टी डिग्री ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है ये नाइन्टी डिग्री है यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू होगी देन यहाँ पे ये वैल्यू चीज़ 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ कुछ वैल्यू होगी अब ये डिस्टेंस मिला लो और ये डिस्टेंस मिला लो ये आपका क्या बन जाएगा ये आपका पूरा D बन जाएगा ठीक है लेट्स अगर ये D1 है ये D2 है इन दोनों को मिला के ये D बन गया यहाँ से आपकी वन ये भी लेंथ ये लेंथ ये लेंथ आपस में आपकी ऐड हो जाएगी तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस लेकिन इस केस में आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर हम करेंगे तो पिछले वाले केस में हमारे पास था आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर लेकिन इस वाले केस में हमारे पास है आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर तो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट विल ऑलवेज बी बिगर इन लेंथ देन द इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट अब देखो कितने सर्कल्स में कितनी कॉमन टैंजेंट्स पॉसिबल है वो हम देख लेते हैं जैसे हमने ये अला केस देखा था ये सर्कल दूर दूर था कहीं से टच नहीं हो रहे थे तो जो सर्कल टच नहीं हो सकते उसमें मैक्सिमम पॉसिबल है दैट इज़ द फोर कॉमन टैंजेंट्स लेकिन कभी ऐसा हो कि सर्कल किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा हो जब सर्कल आपका किसी एक पॉइंट पर टच करता है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर तो उस, उस केस में कितनी टेंजेंट्स फॉर्म होती हैं वो भी देख लो भाई तो एक टेंजेंट तो ये सीधा सीधा जाती ओके लेट्स मेक प्रॉपर टेंजेंट टेंजेंट एक tangent तो आपकी ये सीधे सीधे है समथिंग लाइक दिस जो दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है एक जगह पे यहां पे भी कुछ इस तरीके से टेंजेंट बन जाती है तो ये देखो दो टेंजेंट बन गई लेकिन एक ये दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और एक टेंजेंट होती है जो इनके बीच से निकल के जाती है कुछ इस तरीके से और ये वाली कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट ठीक है तो यहां पे आपके पास तीन टैंजेंट पॉसिबल हैं एक आपके ये डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है ये भी डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है लेकिन ये वाली जो है वो इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है ठीक है तो वी हैव हाँ थ्री कॉमन टैंजेंट्स वेन अ सर्कल टच एट अ सिंगल पॉइंट तो एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है तो हमारे पास तीन टैंजेंट यहाँ पे पॉसिबल होती है ठीक है तो अगर सर्कल ओवरलैप कर रहा होगा तब क्या होगा वो भी देख लो भाई केस तो कभी भी अगर सर्कल आपका ओवरलैप कर रहा होगा समथिंग लाइक ये केस वाला इसको बना लो देन इसको बना लेते हैं समथिंग लाइक दिस बड़ा छोटा कुछ भी हो बस ओवरलैप कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस देन कितनी टैनजेंट्स बन सकती है देखो एक टैनजेंट तो इससे पास होते हुए निकलेगी वेट एक टैंजेंट आपकी यहाँ से पास होते हुए निकलेगी कि दोनों को देखो टच करे दोनों को यहाँ पे ये यह टच करे और एक सिंगल पॉइंट पे ही टच करे ठीक है सिंगल पॉइंट पे ही ये टच कर रही है तो ये आपकी एक टेंजेंट ये हो गई दूसरी टेंजेंट यहाँ से निकलेगी जो इन दो पॉइंट्स पे टच करेगी एक पॉइंट इस वाले सर्कल पे एंड एक पॉइंट इस वाले सर्कल पे ठीक है तो ये दो टेंजेंट्स मिलेंगी तो अगर सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं तो खाली दो ही कॉमन टेंजेंट बन रही है तो टू कॉमन टेंजेंट्स ठीक है दो ही कॉमन टेंजेंट्स बन रही हैं अगर सर्कल्स आपस में पार्शली ओवरलैप कर रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टैजेंट बनेगी और ये होगा तीसरा केस जब सर्कल के अंदर सर्कल बन जाए सर्कल के सर, अंदर सर्कल अगर आप क्रिएशन करते हो कुछ इस तरीके से ठीक है और सर्कल जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा हूँ इस तरीके से तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन टैलजेंट आपको मिलेगी जो इनको जो सिग्नल पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा था वो टेंजेंट भी उसी पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी और ये वाली टेंजेंट भी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाएगी तो इस केस में हमें कितना मिल रहा है सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट मिल रही है ठीक है इस केस में वी आर गेटिंग ओनली वन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ओके नेक्स्ट देखो अगर आपके सर्कल के अंदर सर्कल होता है इफ़ यू आर हैविंग अ सर्कल विद इन अ सर्कल इस तरीके से कोई केस तो यहाँ पे कोई भी कॉमन टैंजेंट नहीं मिलेगी तो यहाँ पे वी आर गेटिंग नो कॉमन टैंजेंट ठीक है कोई भी कॉमन टैंजेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी अफ इफ सर्कल लाइज विद इन दर सर्कल ओके सो लेट्स टॉक अबाउट अदर टॉपिक अब ये कॉमन टेंजेंट्स की बात हो गई तो एंगल जो सर्कल बनाते हैं वो एंगल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स नेक्स्ट टॉपिक एंगल बिटवीन टू सर्कल्स ठीक है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इस टॉपिक को ध्यान से समझना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे आपसे पूछे जा सकते हैं एंगल एंड उसको रिलेट करते हुए तो प्लीज़ बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो so आपके पास देखो दो सर्कल्स हैं दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ठीक है दो सर्कल्स आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका कलर चेंज कर लिया जाए वाइट कलर था ठीक है ठीके? तो दो सर्कल्स आपस में देखो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर मैं इनके रेडियस की बात करूं, इस वाले की ये रेडियस सॉरी सेंटर ये है इस वाले का सेंटर ये है ओके इस वाले का सेंटर ये है तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल टच करते हैं जिस पॉइंट पे वो सर्कल टच करते हैं जिस पॉइंट पे वो सर्कल टच करते हैं वहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है देखो कैसे समझो तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल टच कर रहे हैं यहाँ से देखो आ, ये पॉइंट पे ये करते हैं इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन बन सकती है समथिंग लाइक दिस सॉरी समथिंग लाइक दिस ठीक है एक लाइन तो आपकी ये वाली बन रही है जब सर यहां से ये पास होते हुए जा रहे हैं दूसरी लाइन जो आपकी है वो यहां पे बनेगी जब ये सॉरी जब ये इससे पास होते हुए इस तरीके से जाएगा ठीक है तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट को सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक परफेक्ट प्रोसीजन नहीं आ रहा बट हाँ ठीक है जिस पॉइंट पे सर्कल एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हो वहां पे हमें दो लाइंस तरीके से बनानी है और उनके बीच का एंगल हम इन्हीं लाइंस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो दिस इज योर थीटा सो इफ दिस इज योर थीटा दिस इज आल्सो योर थीटा दोनों थीटा होंगे क्योंकि ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अब देखो इन सेंटर्स के बीच में इन सेंटर्स के बीच में आप एक फॉर्मेशन कर सकते हो अगर मैं इसमें इसको इस पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दूँ इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूँ तब भी ये थीटा बनेगा तब भी ये सेम थीटा सेम एंगल बनेगा ठीक है तब भी आपका ये सेम एंगल बनेगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ठीक है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री तो भाई ये आपका सेंटर वन था ये आपका सेंटर टू था इनके जो बीच का डिस्टेंस है इसको हमने डी बोला था ठीक दिस इज सेंटर वन दिस इज सेंटर टू एंड इसका जो ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं जोड़ रहा हूँ आर वन है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जोड़ रहा हूँ ये आपका आर टू है आर वन एंड आर टू ठीक तो ये चीजें आपको दी होंगी तो एंगल जो निकलता है दैट एंगल थीटा, थीटा दिस इक्वल्स आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर माइनस अब जो ये डिस्टेंस है इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे माइनस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर वन आर टू डिड टू आर वन आर टू एंड दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इस इक्वेशन से आप किसी भी आप किसी भी सर्कल uh, के एंगल का पता लगा सकते हैं कि, कि किस एंगल पे उस सर्कल ने इंटरसेक्ट किया हुआ है ठीक है किस एंगल पे उस सर्कल ने इंटरसेक्ट किया हुआ है ये चीज़ आप बहुत आराम से बता सकते हो आई होप दिस क्लियर अब इसी में इसी में एक एक्सटेंशन है टॉपिक का दैट इज़ नोन एज ऑर्थोगोनल सर्कल्स ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल सो ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं ये समझो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सो व्हाट इज ऑर्थोग इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं तो जब भी ये थीटा जब भी ये थीटा व्हेन दिस थीटा इज़ ईक्वल टू नाइन्टी डिग्री ठीक है वेन दिस थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री वील से दैट वील से दैट द सर्कल्स आर ऑर्थोग सर्कल्स आर ऑर्थोग ठीक है तो जब भी ये थीटा आपका नाइन्टी डिग्री बन जाएगा तो सर्कल आपके ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहलाएंगे ठीक है तो अगर इन सर्कल्स की जो इक्वेशन है इसी में देख लो ये अलग से बना लेते अलग से बना लेते हैं। अगर आपके एक सर्कल ये हो गया दूसरा सर्कल यहाँ पे ये यह हो गया ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे। इसकी जो इक्वेशन है इस वाले बड़े वाले सर्कल की जो इक्वेशन होगी लेट्स से इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो दे दिया ठीक है प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो अब ये c है इसकी बस इक्वेशन में आ रहा है रेडियस तो उसका कोई लेना देना नहीं है बट ये c1 इस इक्वेशन का c1 है ये याद रखना सेंटर से कोई लेना देना इसका नहीं है इस equation, इस वाले सर्कल की जो इक्वेशन होगी उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई एंड प्लस में सी टू इज इक्वल टू जीरो तो ये दो सर्कल्स की इक्वेशन है इसमें सी वन है इसमें सी टू है क्लियर ये दो सर्कल्स की आपकी इक्वेशन हो गई तो इसका जो ऑर्थोग जब सर्कल्स ऑर्थोग ऑर्थोगोनल होते हैं जब सर्कल ऑर्थोगोनल होते हैं कैसे फाइंड आउट करें ये ना निकालना पड़े कि ना करना पड़े तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है बड़ा आसान सा फॉर्मूला है आप आराम से याद कर सकते हो यू कैन से टू जी वन जी टू इज प्लस टू एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू तो अगर ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है अगर ये वाली कंडीशन आपकी देखो सेटिस्फाई हो रही है देन व्हील से सर्कल्स आर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो, तो we'll we'll हो रही है तो सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल ठीक है जो सर्कल्स हैं आपके वो ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा ठीक है तो अभी तो हमने बेसिकली अकेले अकेले सर्कल्स की बात की दो सर्कल्स की बात की कहीं कहीं हाँ दो ही सर्कल्स की बात की तब क्या होगा जब सर्कल्स की पूरी फैमिली हो तो नेक्स्ट टॉपिक इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ सर्कल्स पूरा खानदान आ गया भाई सर्कल्स का अभी तक एक नहीं झेला जा रहा था अब पूरे खानदान को झेलना है तो व्हाट इज़ दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स होता क्या है कहा यह जाता है कि भाई अगर आपके पास दो इनिशियल सर्कल्स हैं तो अगर आपके दो सर्कल्स इस तरीके से हैं और इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसमें बहुत सारे सर्कल उस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो सकते हैं तो अगर ये देखो दो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं तो इससे इन्फिनाइट सर्कल्स बन सकते हैं तो ऐसे ही सर्कल्स को जो ये सर्कल्स बन रहे होंगे ऐसे 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 ही को, ही ही सर्कल्स 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 को 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 हम हम क्या कहते हैं? ही को हम कहते हैं हैं लोग कि भाई वो पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सर्कल्स में एग्जिस्ट करता है तो ये सर्कल्स आपके बनते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो दिस इज नोन एज फैमिली ऑफ सर्कल्स तो ये जो पहले वाला इनिशियल सर्कल था इसको हम बोलते हैं एस वन इक्वल्स टू जीरो जो इनिशियल सर्कल था ये था एस टूक्वल्स टू जीरो एस वन एस टू उसमें हमने पावर नहीं रखी पावर ऑफ अ सर्कल पावर ऑफ अ पॉइंट नहीं है इट जस्ट दो सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ तो ये जो फैमिली ऑफ अ सर्कल्स होता है दिस इज गिवन बाय द फैमिली ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय एस वन प्लस लामडा टाइम्स एस टू इक्वल्स टू जीरो तो ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है ये बताती है आपकी फैमिली ऑफ सर्कल्स यहाँ पे आप जनरली आपको कुछ सेट ऑफ कंडीशन दी होंगी आप लामडा की वैल्यू रखोगे एंड देन आपको इक्वेशन मिल जाएगी पूरी फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल जाएगी तो ये जो लैमडा है यहाँ पे दिस दिसमडा बिलोंग्स टू अ रियल नंबर कोई भी नंबर है कोई भी रियल नंबर हो सकता है और एक लैमडा क्या है लामडा एक पैरामीटर है लामडा इज जस्ट अ पैरामीटर लैमडा इज जस्ट अ पैरामीटर एंड दैट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर ठीक है तो ये इक्वेशन क्या दर्शा रही है ये इक्वेशन दर्शा रही है दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स दैट इज एस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड एस टू इज इक्वल टू जीरो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो सर्कल्स पास हो रहे हैं वो फैमिली ऑफ सर्कल्स में एग्जिस्ट करेंगे ठीक है तो ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स बनता है आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब जैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स होता है अब दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी फैमिली ऑफ सर्कल्स बनते हैं एंड एक लाइन एंड एक सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी आपके फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्रिएशन हो सकता है तो अगर एक सर्कल इस तरीके से दिया है एंड उससे कोई टैंजेंट इस तरीके से पास हो रही है या कोई भी सीकेंड पास हो रही है आप देखो यहाँ पे जितनी सीकेंड ही बात करेंगे क्योंकि दो पॉइंट्स हमें चाहिए तो अगर मैं एक सीकेंड्स को इस तरीके से पास करूँ ये दो पॉइंट्स आपके मिल गए ठीक है तो यहाँ से आपके फिर से इन्फिनाइट सर्कल्स पॉसिबल होते हैं ठीक है तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है लेट्स कॉल दिस एस इक्वल्स टू जीरो एंड जो ये लाइन uh, की इक्वेशन है लेट्स कॉल दिस एस एल इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब देखो इसमें बहुत सारे सर्कल्स पॉसिबल होंगे जो इस इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे होंगे तो एक सर्कल देखो आपका ये बनेगा जो इससे इस से तरीके से पास हुआ एक सर्कल आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है ना, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं तो ऐसे मल्टीपल सर्कल्स का जो फॉर्मेशन होगा उस फॉर्मेशन को हम एक फैमिली के थ्रू बताएंगे हमें एस में क्योंकि जो इक्वेशन हमारी रहेगी वो क्वाड्रेटिक में रहे पावर टू में रहे यहाँ पे अगेन जो आपका लामडा होगा जो आपका लामडा होगा that is again a parameter lambda is again a parameter hai. and lambda belongs to real number Okay, lambda is a parameter and lambda belongs to real number and this equation kabataire the family of circles this equation represents equation represents family of circle passing through एस इक्वल टू जीरो एंड एल इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये इक्वेशन में ये बता रही है द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू एस इक्वल टू जीरो एंड एल इक्वल टू जीरो सीकेंड की है यहाँ पे तब है जब लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या तब फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं बन सकती जब लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे जब लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या फिर हम ये कहें कि पॉइंट सर्कल बने ऐसा भी कह सकते हैं ना पॉइंट सर्कल का फॉर्मेशन हो पॉइंट सर्कल क्या होता है जिसकी रेडियस एकदम जीरो होती है सो दैट इज अ पॉइंट सर्कल नेक्स्ट है हमारा भाई देखो एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट सर्कल है ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है एंड इस पर एक पॉइंट सर्कल लाया कर रहा है इस जगह पे है एकदम पॉइंट के बराबर हो अब इससे जो फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेंगी वो कैसे बड़े आराम से आप देख सकते हो वो इस तरीके से बन सकती हैं सर्कल्स कहाँ हैं ये सर्कल्स सर्कल ग्रीन सर्कल्स तो देखो एक सर्कल तो आपका इस तरीके से बन गया हो सकता है एक सर्कल इस तरीके से बन जाए बस मेन क्या है इस पॉइंट को वो सर्कल टच करते हुए बन रहा है ठीक है ये वाला पॉइंट सर्कल बन जाए मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल एक सिंगल पॉइंट को टच करते हुए जाएगा तो ये जो छोटा सा पॉइंट था दिस पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट सर्कल क्या है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं पॉइंट सर्कल बोल रहे हैं और इस पॉइंट सर्कल का इस पॉइंट सर्कल का जो वो होगा पॉइंट को बोल सकते हैं पी एक्स वन कामा वाई वन जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच कर रही है उसको हम एक्स वन कामा वाई वन बोल सकते हैं तो जिस पॉइंट पे लाइन टच कर रही है यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा वो सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर ठीक है एंड क्योंकि ये पॉइंट सर्कल है इसका रेडियस जीरो होता है तो इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे समझ में आया तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज जीरो तो ये चीज समझ में आ गई यहां से एक लाइन पास हो रही थी तो अगर मुझे एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बनानी हो मुझे अगर एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बनानी हो जो पॉइंट सर्कल और इस लाइन इक्वल्स टू जीरो से पास हो रही हो तो ये क्या बनेगा भाई भाई जो सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर राइट सर्कल की इक्वेशन ली थी हमने एंड इसमें लामडा टाइम्स एल डाल दिया था हमें लामडा टाइम्स एल डाल दिया था और इक्वल टू जीरो बोल दिया तो ये आपका जो सर्कल बना था मतलब ये जो बना था दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड ये एग्जैक्टली सेम फॉर्म है जो हमने भी इधर किया एस प्लस एल पे हुआ तो आई होप दिस होगा ठीक है तो ये क्या बता रहा है टचिंग द लाइन दिस इज दिस इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स

बहुत ध्यान समझना कान खोल के सुनना बहुत ज्यादा ड्रॉ कर कर तो करते हो जैसे कि कोई भी दो पॉइंट लो एंड टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहां से किया एक टेंजेंट ड्रा किया एक ये लिया एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर दिया सिमिलरली हो सकता है आपने ये पॉइंट लिया होगा यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया फिर ये पॉइंट लिया यहाँ से एक टैनजेंट ड्रा कर दिया तो हमने ये पाया कि ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स को टैनजेंट लेके ड्रा किया तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऐसे इन्फिनेट पॉइंट्स आएंगे तो ये जो लोकस होगा इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का जो लोकस होगा इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का वो भी एक सर्कल होगा ठीक है तो जो लोकस होगा इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का वो भी एक सर्कल होगा ऐसे सर्कल को ऐसे सर्कल को हम लोग कहते हैं डायरेक्टर सर्कल ऐसे को हम लोग कहते हैं द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो कैन आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो सर्कल बेसिकली कहा यह जाता है कि आप टेंजेंट्स लो और टेंजेंट्स जहां, जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी टेंजेंट जहां जहां पे आपके इंटरसेक्ट करेंगी उन पॉइंट्स का लोकस उठा लो तो उससे जो फिगर बनेगा वो यहाँ पे सर्कल बनता है ठीक है यहाँ पे क्या बन रहा है सर्कल का क्रिएशन होता है तो दिस इज नोन एज आ डायरेक्टर सर्कल ये जो ग्रीन वाला है ये क्या कहलाता है दिस सर्कल इज नोन एज अ डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल ठीक है डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल आगे लिख लो ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ सर्कल ठीक है कुछ का डायरेक्टर सर्कल सर्कल होता है एंड कुछ का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन भी होती है डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ पैराबोला इज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है तो उस डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये नहीं कि वो एक्जैक्टली exactly सर्कल है उसका मतलब ये है कि वो पॉइंट्स वो लोकस ऑफ अ पॉइंट्स जहाँ पे टेंजेंट्स आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरीके से देखो टेंजेंट्स आके इंटरसेक्ट कर रही हैं अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो ये डायरेक्टर सर्कल बन रहा है इसको मैं थोड़ा सा और साफ सुथरा बना देता हूँ समझाने के लिए बनाया था तो लेट्स ओके सॉरी लेट्स अंडरस्टैंड दिस पहले इसको हटा देते हैं अभी थोड़ा सा इसमें ड्राॅइंग व्राइंग करनी पड़ेगी हमें ठीक है तो बड़ा सा सर्कल बना दिया समथिंग लाइक दिस जिसका कॉमन मिडिल पॉइंट हो ओके इनका एक ही कॉमन सेंटर है ये कॉमन सेंटर है और ये जो बाहर वाला है इसको दूसरा कलर दे देते हैं वाइट दे देते दे हैं दे, ठीक है तो दिस इज नोन एज द डायरेक्टर सर्कल अब यह डायरेक्टर सर्कल बना कैसे डायरेक्टर सर्कल बना है इसके टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसके टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन से ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं टैनजेंट जैसे बना रहा था जो टैनजेंट्स का क्रिएशन कर रहा था तो एक टेंजेंट बन के एक टैजेंट बन के इधर आके इंटरसेक्ट कर रही है एक टैजेंट बन के इधर आके इंटरसेक्ट कर रही है एक टैजेंट यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से ये यह वाला जो डिस्टेंस है आपका रेडियस है यहाँ से जो ये वाला डिस्टेंस आपका रेडियस है एंड ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है देखो रेडियस ऑफ अ नॉर्मल सर्कल यहाँ पर अगर आ रहा है ये रेडियस है तो ऑब्वियसली बेटा ये भी रेडियस है राइट ये भी रेडियस है ये 90 डिग्री होगा ये आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा ठीक है so, सो आगे अगर इसको मैं देखता हूं तो रेडियस जो रेडियस होता है डायरेक्टर सर्कल का रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल ठीक है जो डायरेक्टर सर्कल का आप रेडियस बनाओगे दैट विल बी इक्वल टू रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द डायरेक्टर सर्कल यानी इसी का सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ द जो भी आपका गिवेन सर्कल होगा सेंटर ऑफ गिवेन सर्कल तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स डायरेक्टर सर्कल की थी जो हमें आना चाहिए ठीक है और जहां पे ये टैंज इंटरसेक्ट करेंगी वो एक 90 डिग्री पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो 90 डिग्री पॉइंट होगा यही बस मैं आपको समझा रहा था सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू किस तरीके से आपको सर्कल देखना है डायरेक्टर सर्कल को समझना है वो समझ में आ गया होगा क्लियर तो जहां पे टैंजेंट्स 90 डिग्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं ये चीज समझना जहाँ पे जो आपकी टेंजेंट्स होंगी मैं फिर समझा देता हूँ जहाँ पे जो आपकी टेंजेंट्स होती हैं जहाँ पे टेंजेंट्स आपकी 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करें इंटरसेक करना ज़रूरी तो है ही है बट 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करना जरूरी है जब टैंजेंट्स आपकी 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेकट करेंगी देन उस पॉइंट्स का जो लोकस आप लोगे यहाँ पर ले लिया स्टैंडर्ड ने आके यहाँ पर नाइन्टी डिग्री तो ऐसे पॉइंट्स का अगर आप लोकस लोगे ऐसे इन्फिनिट पॉइंट्स का तो आपका जो सर्कल बनता है वो डायरेक्टर सर्कल बनता है अब इसका जो रेडियस होता है वो रूट टू टाइम्स आर होता है अगर ये आपका आर है तो दैन डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होगा वो रूट टू टाइम्स आर होगा एंड दोनों का जो सेंटर होता है वो सेम होता है सो so ये बात हमने कर ली सर्कल के बारे में एंड सर्कल में अगर आपने इतना समझ लिया तो आपका रिविज़न जो है वो एकदम परफेक्टली हो चुका है ठीक है आपका जो रिविज़न है वो एकदम परफेक्टली अच्छे से हो चुका है सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग टेक केयर एंड बाय बाय